हरियाणा के पलवल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने झूठ का प्रयोग किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहां हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। साथियों, कांग्रेस को ये लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती है कि बटेंगे लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। हरियाणा के पलवल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में हुड्डा जी और कांग्रेस बहुत हड़बड़ी में है। इस हड़बड़ी में उन्होंने इतनी गड़बड़ी कर दी है कि आज कांग्रेस के एक अनार 100 बीमार बैठे हैं। मगर हरियाणा में कांग्रेस रूपी कौरव को जनता फिर हराने जा रही है। साथियों, इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी देखी हमने। कौरवों ने पांडवों की जमीन हथियाने का प्रयास किया था, ना कौरव कभी जीत पाए ना पांडव कभी हारे थे। ये कौरव रूपी कांग्रेस भी अब हरियाणा में नहीं जीत पाएगी। देश की एक ही पार्टी जो देश हित में सोचती, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। कारण क्या है, कारण क्या है भाई साहब? हुड्डा साहब हड़बड़ी में, और हड़बड़ी में राहुल गौरव जी गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी इतनी हो गई कि टिकटें बटने में गड़बड़ी हो गई। कांग्रेस के कितने ही इंडिपेंडेंट खड़े हैं। और यही नहीं, भोले भाले किसानों की जब इन्होंने जमीन छीन ली तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरे जिन्होंने किसानों की जमीन हड़पी, जिन्होंने रसमलाई खाई, क्या वो करेंगे हरियाणा की कभी भलाई? हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ प्रचार करने में जुटे हैं। इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने समलखा से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने धर्म सिंह के खिलाफ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर तक वो खुद ही सरेंडर करे, नहीं तो गिरफ्तारी की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में रानी झांसी की मूर्ति लगाने पर शाही ईदगाह के एतराज के मामले पर सुनवाई शुक्रवार 4 अक्टूबर तक टल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। शिगेरू इशिबा को जापान का 102वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।